अलीगढ़ पहुंचे नगीना के निर्दलीय सांसद चंद्रशेखर ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि यूपी में बोली लगाकर दलितों की हत्या होने लगी है, ऐसा लगता है कि गुंडों को खुली छूट मिल गई है। मुझे कहने में बड़ा कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अब बोली लगा के दलितों की हत्या होने लगी। यहाँ की जो घटना है वो बहुत डरावनी है। किस तरह से चैलेंज करके एक 22 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई, उसके माँ बाप ढूंढते फिरते रहे, थाने के संबंधित अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसके कारण आज वो बेटा हमारे बीच में नहीं। खबर लखनऊ से है, जहां पर शिक्षकों के प्रमोशन के लिए नया नियम लागू किया गया। प्रमोशन के लिए देना पड़ेगा संपत्ति का ब्यौरा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने लागू किया है नियम, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। मानव संपदा पोर्टल पर ब्यौरा देना होगा, 30 जून तक अपलोड करना होगा अपना संपत्ति का ब्यौरा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मानव संपदा पोर्टल जिस पर जानकारी देनी होगी, तो शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर ये एक बड़ी खबर मिल रही है। और इसको लेकर, शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर एक नया नियम लागू किया गया है कि प्रमोशन के लिए अपना संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ये नियम लागू किया है, जिसको लेकर पोर्टल भी जारी किया गया है। आपकी चल अचल संपत्ति कितनी है, इन सभी का ब्यौरा आपको देना होगा पोर्टल पर, और उसके बाद ही प्रमोशन होगा। और इसको लेकर एक डेट भी अनाउंस कर दी गई है, 30 जून या आखिरी तारीख रखी गई है, 30 जून तक अपलोड करना होगा अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा। ज्यादा जानकारी के साथ में नीतिका छूट गई हैं फोन लाइन पर। नीतिका बताइए, क्या कुछ नियम लागू किए गए हैं शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर? देखिए, प्रमोशन से पहले अब शिक्षकों को अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना जरूरी हो गया है, इसके आदेश जारी हो गए हैं। और 30 जून तक मौका है शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर अपना जो चल अचल संपत्तियां हैं उनका ब्यौरा दर्ज कराने का। और माध्यमिक शिक्षकों के लिए ये पदोन्नति के लिए जरूरी कर दिया गया है कि वो अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अब मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करेंगे, जिसके लिए 30 जून तक की डेट दी गई है। उससे पहले सभी को अपना सारा डेटा देना होगा। विभाग ने इससे रिलेटेड जो भी आदेश है वो जारी कर दिया गया है, और साथ में चेतावनी भी दी गई है कि जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनको आगे जाके दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। और इसी स्थिति में ये ब्यौरा उपलब्ध कराना ही कराना है। पिछले साल भी 31 दिसंबर तक सभी शिक्षकों को अपनी संपत्ति कराना था, लेकिन कई सारे तो बिल्कुल, देखिए आपको डेटा यहाँ पर अपलोड करना होगा, उसके बाद ही प्रमोशन होगा। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया नीतिका आपका। अब कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर दंगाइयों पर बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। हाजी वसी इल और उसके बेटे की मुश्किलें बढ़ गई हैं, हथियार का लाइसेंस रद्द हो सकता है। पुलिस ने डीएम को रिपोर्ट भेज दी है, डीसीपी सेंट्रल की रिपोर्ट के आधार पर यह रिपोर्ट भेजी गई। नई सड़क दंगे का आरोपी है हाजी वसी, और नई सड़क इलाके में 3 जून 2022 को उपद्रव हुआ था। हाजी वसी के खिलाफ 14 मुकदमे, अब्दुल रहमान के खिलाफ 3 केस दर्ज है। और ज्यादा जानकारी के साथ में अमित गंजू जुड़ गए हैं। अमित बताइए, क्या अपडेट है? और देखिए अमनदीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला कानपुर से जुड़ा हुआ है, जहां कानपुर का माहौल 3 जून 2022 को खराब करने का प्रयास किया गया। स्टोन पेल्टिंग हुई, एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हुई, पेट्रोल बम फेंके गए, ऐसे में पुलिस ने भी ताबड़तोड़ एक्शन लिया और कई लोगों को सलाखों के पीछे भेजा। इन सब के बीच एक गोपनीय जांच के आधार पर यह पता चला कि एक बड़ा बिल्डर हाजी वसी का फाइनेंस करना, यानी खजांची था इस पूरे मामले का, आरोपी भी था, जिसने इस पूरे मामले में पैसे की फंडिंग दी। इसके बाद से पुलिस का शिकंजा कसता चला गया और एक एक करके इसकी कुंडली, आपराधिक कुंडली पुलिस खंगालने में लगी। 14 मुकदमे इस पे अभी तक है, और उसके बेटे की अगर बात की जाए अब्दुल रहमान, तो उस पे भी 3 मुकदमे हैं। ऐसे में इनके पास पिस्टल, राइफल और डबल बैरल, सिंगल बैरल, डबल बैरल, रिवॉल्वर की बात सामने आई, जिसके बाद डीसीपी राम सेवक गौतम ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसके आधार पर यह लिखा गया कि जिस व्यक्ति पर 14 मुकदमे हो और उसके बेटे पर 3 मुकदमे, ऐसे में इन असलाहों निरस्त करना प्राथमिकता के आधार पर
समाज और शहर के हित में होगा। ऐसे ही रिपोर्ट गोपनीय भेजी गई, ऐसा माना जा रहा है। आज से लेकर कल तक इसे निरस्तीकरण की कार्रवाई हो। बिल्कुल, देखिए मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाजी वसी और उसके बेटे की जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया अमिताभ का।